أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات من محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ توبہ یا سورہ مبارکہ براءت کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کے اس فقرے میں ایک انتہائی اہم معاشرہ انسانی کی ایک انتہائی اہم ضرورت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی مکمل ہدایت دی گئی ہے دین شناسی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے تفقہ فی الدین دین شناسی ہے لیکن آج کل یونیورسٹیز میں جس طرح سے دین شناسی کا درس دیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں بنیادی فرق یہی ہے یونیورسٹیز دیکھیں نا کل میں گفتگو کر رہا تھا اور بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی بر صغیر میں مسلم معاشرے پر بلکہ انسانی معاشرے پر جو کچھ بیتی وہ میں نے گزارش کی فقہ سے کس طرح ہمیں الگ کیا گیا یہ میں نے گزارش کی یونیورسٹیز جو وجود میں آئیں ان یونیورسٹیز سے بے پناہ فوائد آپ نے اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سے علوم زندگی سے الگ ہو کر زمین سے چسپا ہو کر رہ گئے ہیں زندگی سے الگ ہو گئے زمین سے وابستہ رہ گئے کاش یہ تعبیر سمجھ لی جائے علم اور عمل کی تفکیک علم اور عمل کی جدائی میں نے کل عرض کیا کہ ممکن نہیں ہے
और अगर इल्म और अमल जुदा होंगे, ये जुदा हो नहीं सकते असलन। अगर आपके ज़ौक़ के मुताबिक कोई मिसाल दूँ तो आप यूँ समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाई थी जो आपकी वसीयत भी है, और मेरा ख़्याल है वसीयत पैगंबर हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए। और वो वसीयत यह है कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती, अल्लाह की किताब और मेरी इत्रत मेरे अहले बैत। उसके बाद आपने फरमाया कि लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैल हौज, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तवज्जो है, हुजूर का इरशाद है कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। क़ुरान अहले बैत से जुदा नहीं हो सकता, अहले बैत क़ुरान से जुदा नहीं हो सकते। ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, तुम इनमें से किसी एक से भी जुदा होना चाहोगे तो नतीजतन दोनों से जुदा हो जाओगे। तवज्जो है, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अगर ये चाहो कि तुम कुरान को अहले बैत से जुदा कर दो, वो जुदा होने वाली चीज़ नहीं है। अहले बैत को कुरान से जुदा कर दो, वो जुदा होने वाली चीज़ नहीं है। जुदा करने की कोशिश में तुम दोनों से जुदा हो जाओगे। यही हुआ, तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, हुआ यही। जो अहले बैत से जुदा हो गए और उन्होंने समझा कि कुरान काफ़ी है, वो कुरान के भी वफादार ना रहे। पढ़ लीजिए तारीख, तारीख देख लीजिए, कुरान का वफादार कभी कुरान के अहकाम को पामाल तो नहीं करेगा, कुरान का वफादार कभी कुरान को नेज़े पे तो नहीं उठाएगा, कुरान का वफादार कभी कुरान पे तीर तो नहीं बरसाएगा। देख लीजिए मुसलमान तारीखों में किसने ये किया, ये हुआ या नहीं हुआ। अहले बैत पे भी तीर बरसाए गए, अहले बैत पे भी मुसीबतें वारिद हुईं, अहले बैत पे भी कयामतें गुजरीं, मगर कुरान पर, कुरान पर, कुरान पर। एक खलीफा वक्त, एक खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन, जब तक खिलाफत नहीं मिली थी रोज़ाना कुरान की तिलावत किया करता था। जिस वक्त खिलाफत मिली कुरान को बंद किया और कहा हादा फिराकुन बैनी व बैनक, ये लम्हे जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। और उसके बाद एक लम्हा वो भी आया कि खलीफे वक्त ने सामने कुरान रखकर उस पर तीर बरसाया और कुरान से ख़िताब करके कहा कि अल्लाह के सामने गवाही दे देना कि मैंने तीर बरसाया था। ज़रा जुरत देखिए, जसारत देखिए, गुस्ताखी देखिए, कुफ्र की हदें देखिए। और आज का मुसलमान दानिश्वर ऐसे खुलफा को मुसलमान साबित करता है। मुझे मालूम है लाहौर में गुफ्तगू हो रही है, बर्रे सगीर का मुसलमान बहुत ही जज्बाती मुसलमान है, कहीं कुरान पाक की ज़रा सी तौहीन हो जाती है क्या एहतजाज होता है, सड़कों पे निकल आते हैं, नहीं निकल आते हैं आप। आज अगर यूरोप में कहीं कुरान पाक की तौहीन हो जाए, आज अगर भारत में कुरान पाक की तौहीन हो जाए तो आप सड़कों पर निकल आते हैं। हम भी जो मुहर्रम में सड़कों पे मातम करते हुए निकलते हैं तो कुरान की तौहीन करने वालों के खिलाफ़।
हमारा एहतजाज भी मुसलसल उन्हीं के खिलाफ है जिन्होंने कुरान की तौहीन की थी। किसी और के खिलाफ थोड़ी, मगर अपना अपना ज़ौक है। आप एहतजाज करते हैं तो इमलाक को आग लगाते हैं, दूसरों के ऊपर हमला करते हैं। हम एहतजाज करते हैं तो अपना सीना पीट लेते हैं। हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपना सीना पीट लेते हैं कि अगर इंसानियत की रमक भी बाकी है तो हमारा दर्द महसूस तो करो। ताज्जुब है, ताज्जुब है जब मुसलमान जवान, मुसलमान क्राउड, मुसलमान भीड़, मुसलमान मजमा आकर पब्लिक इमलाक को आग लगाता है, दूसरों की गाड़ियां जला देता है, बैंक लूट लेता है, तो किसी मदरसे से कोई फतवा सादिर नहीं होता उम्मत की तरबियत के लिए कि ये गलत हो रहा है। किसी मुफ्ती को, किसी मुज्तहिद को, किसी फकीह को, किसी आलिम को दर्द नहीं है मिल्लत का कि तरबियत करे कि एहतजाज होता कैसे है। मुसलमान मुल्क की इमलाक को आग लगाना हराम है, दूसरों की जायदाद को तबाह करना हराम है, दूसरों के माल और इज्जत और नामूस से खेलना हराम है, ये फतवा कोई नहीं देता। मुहर्रम के जुलूस के लिए सबके फतवे निकल आते। मसला यह है कि दो फिक्हे चली आ रही हैं। एक वो फिक्ह है जो इंसानियत साज फिक्ह है, एक वो फिक्ह है जो इंसानियत सोज फिक्ह। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली गई। मेरी सकत ज़्यादा है नहीं, ना मेरे जिस्म में ज़्यादा ताकत है, ना मेरी आवाज़ में, मगर मसाइल ऐसे होते हैं कि जो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं पूरे वजूद के साथ उन मसाइल में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, इसलिए आवाज़ तेज़ हो जाती है। बात जज्बाती नहीं है, बात मंतिकी है, मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जज्बात मंतिक के ताबे हैं। एक ऐसा गरोह जो चला जा रहा है अपना सर और सीना पीट रहा है, हैं? कभी किसी आज़ादार जुलूस ने किसी का घर जलाया है? कोई बैंक लूटा है? किसी की इमलाक को, किसी की इज्जत आबरू नामूस को नुकसान पहुंचाया है? इस जुलूस के खिलाफ फतवे आते हैं, उन जुलूसों के खिलाफ कोई फतवा नहीं आता। यानी उम्मत की तरबियत किस तरह हो रही है, किस नहज पर हो रही है? फतवा की जिम्मेदारी किन लोगों ने संभाल रखी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन अफ्ता बगैर इल्म फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो बगैर इल्म के फतवा दे दे उसका ठिकाना जहन्नम है। इस हदीस में इख्तिलाफ नहीं है, सही सनद हदीस है। बहरहाल गुफ्तगू आ गई, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह लन का लफ्ज़ है, लन यफ्तरिका, हरगिज़ कभी कभी कभी, ना अभी ना कभी, कभी जुदा नहीं हो सकते कुरान और अहले बैत, जुदा नहीं हो सकते।
न इस दुनिया में न उस दुनिया में। क्यों जुदा नहीं हो सकते? जिस तरह कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो सकते, उसी तरह इल्म और अमल जुदा नहीं हो सकते। दोनों में रिश्ता है। ये कुरान इल्म है, अहले बैत अमल है। कुरान सरापाए इल्मी अहले बैत है, अहले बैत सरापाए अमली कुरान। कुरान अहले बैत का वजूद इल्मी है, अहले बैत कुरान मजीद का वजूद ऐनी है। दोनों में तफकीक मुमकिन नहीं है, इल्म अमल में तफकीक मुमकिन नहीं। चूंकि इल्म अमल में तफकीक मुमकिन नहीं है और नहीं होनी चाहिए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारा इल्मी मुआशरा था, जो खालिस इस्लामी इल्मी मुआशरा होता है, उसमें मुमकिन नहीं है कि आलिम बेअमल मिल जाए। मुमकिन नहीं खालिस इस्लामी माशरे में। लेकिन जो दुनिया के सरमायादार और सरमाया परस्त या किसी भी एतबार से सरमाए से जुड़े हुए, दुनिया से जुड़े हुए, मादियात से जुड़े हुए मकातिब फिक्र हैं, वहाँ ये मुमकिन है कि इल्म को अमल से जुदा करने की कोशिश की जाए। जिसकी बड़ी नुमायाँ मिसालें मैं अर्ज़ करूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिलीजियस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट मैंने ख़ुद विज़िट किया था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी अलग है और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ अलग है। जामे मिल्लिया इस्लामिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है। ये तो खैर यहाँ वो लोग हैं कि जो मुसलमान हैं और इस्लाम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेस्ट में मसलन मैकगिल यूनिवर्सिटी या और जगहों पर जो प्रोफेसर साहिबान हैं, मालूम है इस्लाम पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर साहब हैं वो यहूदी हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, वहाँ इस्लाम पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो कौन हैं? यहूदी हैं, ईसाई हैं। पढ़ा रहे हैं इस्लाम, खुद हैं गैर मुस्लिम। देखा आपने इल्म अमल की दुई? तो अब वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो इल्म नहीं है, वो इस्तिलाहात का जखीरा है सिर्फ। कुछ इस्तिलाहात हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डिफिनीशंस हैं जो रटी हुई हैं वो रटा देते हैं। कुछ थोड़ी सी डिफिनीशंस, तारीफात, इस्तिलाहात एक टर्मिनोलॉजी का जखीरा है। अल्फाज की बाजीगरी है, ज़खीरे अल्फाज की तिजारत है, ज़खीरे अल्फाज की तिजारत है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में। इरफान का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तसव्वुफ़ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सैर व सलूक पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। और जो शख्स सैर व सलूक पढ़ा रहा है उसका कहीं दूर दूर तक सैर व सलूक से कोई हुस्ने सलूक नहीं है। यह है इल्म अमल की दुई जो हमें वेस्ट से मिली है। वेस्ट से क्या मिला? तवज्जो रहे, दुनियावी निज़ाम से हमें क्या मिला? मालूमात के ज़खीरे को अपने अहदाफ के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये जदीद यूनिवर्सिटीज़ का हदफ है और इस्लाम का हदफ है इल्म के साँचे में खुद अपने आप को इस्तेमाल करना। फ़र्क है,
मालूमात को अपने दुनियावी अगराज व अहदाफ के लिए इस्तेमाल करना अलग नुक्ता नज़र, इस्लामी नुक्ता नज़र यह है, फ़िक़्ही नुक्ता नज़र यह है कि अपने नफ्स का इस्तेमाल करना है इल्म की रोशनी में, ख़ुद अपने आप को ढालना है। इसी अपने आप को इल्म की रोशनी में या इल्म के सांचे में ढालने का नाम है तफक्कुह। तफक्कुह ये सेगा जो है तफक्कुह, ये जिस बाब से आया है अरबी ज़बान में, अरबी सर्फ में, अरबी ग्रामर में, ये सेगा ये वज़न उस लिए आता है कि अपने नफ्स को ढाला जाए, अपने नफ्स को ढाला जाए। तफक्कुह, वैसे लफ्ज़ फ़िक्र और फ़िक्र की बहस कल आई थी कि फ़िक्र और फ़िक्र में क्या फ़र्क है। एक फ़र्क तो कल वाज़ह किया था, एक फ़र्क आज वाज़ह कर रहा हूँ। आम लुगात में जिन लुगात की बुनियाद ज़्यादातर सर्फी बुनियाद होती है इल्म सर्फ पर, उसमें अल्फ़िक्ह फ़िल लुगत अल्फ़हम वे फ़िक्रा मिल जाएगा आपको। लेकिन अरबी ज़बान के एक बहुत ही अज़ीज़ुल क़द्र और अज़ीमुश्शान ज़बानदान इब्ने फ़ारिस ने, कि जिसकी तन्हा किताब इल्म इश्तिक़ाक में आज तक अव्वल व आखिर का दर्जा रखती है, उसने लिखा है कि अल्फ़ा वल्काफ वल्हा असलुन वाहिद यदुल्लु अला इद्राक शैए वल इल्म बिही। फ़े काफ और हा ये एक असल है और ये दलालत करता है किसी शय के इदराक पर और उसके इल्म पर। फिक्र वसीले इल्म है, फिक्र ऐन इल्म है। जरूरी नहीं है कि फिक्र मुंतिज हो इल्म पर, फिक्र पहुंच ही जाए इल्म तक। फिक्र सिर्फ उस जौलानी फिक्र का नाम नहीं है बल्कि फिक्र हुसूल इल्म का नाम है। असल लुगवी है ये। यह और बात है कि हमारी जो टेक्निकल डिफिनीशन है उसमें दोनों पर, चार रकात नमाज में कै मिनट सर्फ होते हैं? चार मिनट, बहुत अच्छी करत से पढ़ी तो छः मिनट, मुस्तहब्बात का इजाफा कर लिया तो आठ मिनट। आठ मिनट या चार मिनट खातिर जमी के साथ नहीं पढ़ सकते नमाज, यानी तवज्जो रखिए। किसी से गुफ्तगू करने में जहन भटक जाए और बात है, तकरीर कर रहे हैं बहुत बड़ा मजमा है जहन भटक जाए और बात है, कोई और मशगूलियत है बाजार में खड़े हैं जहन भटक जाए और बात है, तन्हा आप हैं और कोई नहीं। आप तन्हा अपने आप को समेट के चार मिनट नहीं खड़े हो सकते? क्या बेचारगी है, क्या बेबसी है, क्या नाताकती है, किस जहानत पर गुरूर है? भाई दस आदमी हो और उसमें जहन पराकंदा हो जाए, फिक्र परेशान हो जाए तो एक बात है। दो रकात नमाज में भी शक आ जाता है और तीन रकात में भी और चार रकात में भी, जबकि तन्हा आप हैं और कोई नहीं, आप हैं और आपका खुदा। खुदा भी आपसे गुफ्तगू करता है तो इस लहजे में कि आप उसकी आवाज़ सुनकर मुकद्दर ना हो। खुदा हमतन गोश है और आप उसको अपनी आवाज सुना रहे हैं, क्या मकाम एजाज है।
देखिए यहीं पर ठहर के एक जुमला कहने का जी चाहता है। बहुत से लोग इश्क़ खुदा का दम भरते हैं, मारिफत का दम भरते हैं, और ना ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं और ना अपने मुरीदों को नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते हैं, बल्कि कह देते हैं कि नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, शरीयत की पाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। नमाज है क्या? अरे कैसा इश्क है कि आपका माशूक तलब कर रहा है और जाने को तैयार नहीं। किसके आशिक हैं? खुदा के आशिक हैं। आशिक तो माशूक को अपनी आवाज सुनाने के लिए तड़पता है, अपनी बात माशूक तक पहुंचाने के लिए तड़पता है, उसको देखने के लिए तड़पता है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पता है। माशूक जवाब नहीं देता फिर भी नामे पर नामे लिखे जाते हैं। इश्क सच्चा हो तो कभी रकीब रूसियाह को भी कासिद बना लिया जाता है। नासिर जैदी साहब तशरीफ़ फरमाए, गज़ल के शायर हैं, ये मुआमलात तो इनसे पूछिएगा। रकीब रूसिया को कासिद बना लेते हैं, किसी सूरत से हमारी बात माशूक तक पहुंच जाए, किसी सूरत से हमारी दरख्वास्त महबूब तक पहुंच जाए। और यहाँ आपका जो महबूब और माशूक है वो बुला रहा है फर्दन फर्दन एक एक आशिक को, आओ और इश्क का सबूत दो, आओ। तुम हमारी आवाज नहीं सुन सकते, तुम आशिक हो मैं माशूक हूं, तुम्हें मेरी आवाज सुनने की ललक होनी चाहिए, मगर मुझे तुम्हारी आवाज सुनने का इश्तियाक है। मामला बरक्स है, माशूक महबूब आवाज सुनना चाहता है बंदे की। भाई जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसका नाम लेने का जी चाहता है, नाम जपता है आदमी। माशूक का नाम बार बार लेने से लुआबे दहन शीरी हो जाता है। कोई सच्चा इश्क करके तो देखे। ये जुमला मैं बराबर कहता हूँ, इंसान पैदा हुआ इश्क करने के लिए, इंसान पैदा हुआ इश्क करने के लिए, इश्क कीजिए। माशूक का नाम जबान पर आता है तो लुआब दहन शीरी हो जाता है। वो माशूक है आपका, आप आशिक हैं, वो कहता है कहो अल्लाह अकबर, ही कहते हैं मैं तो नहीं कहूँगा अल्लाह। वो कहता है मेरा नाम लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, सब मेरा नाम है, मेरी तारीफ़ है, मेरी हमद है, मेरी सना है। ए? ये कैसा आशिक है कि अपने माशूक की हमद व सना और तारीफ भी नहीं करना चाहता। नमाज क्या है सिवाय सना इलाही के? नमाज की तारीफ ये है कि नमाज सना इलाही है, सना इलाही। अपने माशूक की तारीफ नहीं करना चाहता, ये कैसा आशिक है? ये आशिक नहीं अय्यार है। आशिक नहीं है। बहरहाल जो लोग पढ़ते हैं, बात तो उनकी हो रही थी कि आप नमाज पढ़ते हैं, खुदा आपकी आवाज़ सुन रहा है, क्या एजाज का मकाम है, क्या इफ्तिखार का मकाम है। आजकल हज़रत जरदारी प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, हैं भाई, हमने तो यही सुना है कि हर सरबराह को हज़रत कहा जाता है चाहे जैसा भी हो। मैंने अगर जरदारी साहब को कहा तो नाराज़ ना होइएगा आप। हज़रत जरदारी सदर हैं, सरबराह मुल्क हैं, ममलिकत हैं, हैं। अगर ये किसी को चार मिनट या दो मिनट का वक्त दे दें कि भाई आओ मुझे जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे बता दो, मैं पर्सनल सुनना चाहता हूँ, सेक्रेटरी नहीं, कोई नहीं दरमियान में, कोई वज़ीर नहीं, मैं पर्सनल सुनूंगा तुम्हारी बात, तुम होगे और मैं होऊंगा,
डायरेक्ट मैं सुनूंगा, आप कितना अपने को एलिवेटेड फील करेंगे। किस कदर एजाज की बात है, किस कदर एजाज की बात है। और खातिर जमील के साथ जाएंगे और जुमले सोच कर जाएंगे, यूं कहूंगा, ये कहूंगा, ऐसे झुक के अदब से आदाब करूंगा, ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि वो मुझे भुला ना सकें कभी, मेरी बात जरूर पूरी हो जाए। हैं, खुदा वंदे आलम वक्त दे रहा है, आओ बराहे रास्त, बिला वास्ता, बिला फसल, फर्दन फर्दन में एक एक की बात सुनूंगा। कैसी तवज्जो है खातिर होनी चाहिए, कैसी तवज्जो है खातिर होनी चाहिए। हैं, नमाज के मानी यही तो हैं। नमाज गुफ्तगू है रब से, नमाज गुफ्तगू है, आशिक व माशूक की गुफ्तगू का नाम है नमाज। और पूरी नमाज सनाए इलाही है, और कुछ भी नहीं, सनाए इलाही। और साथ में ये वादा है, अरे वादा न भी हो तो इतना शुऊर होना चाहिए। किसी बुजुर्ग की बज़ में जब जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली हाथ वापस आते हों, कभी ऐसा नहीं होता। बच्चे बड़ों से मिलने जाते हैं तो वो कोई ना कोई हदिया तोहफा दे देते हैं, और जब बच्चा लेने से शर्माता है तो उसकी नादानी पे महमूल होता है। नादान बड़ा जब कोई दे तो लिया जाता है, वापस नहीं किया जाता। ये सिर्फ मुसलमान है, जब अल्लाह कुछ देता है तो वापस कर देता है। अल्लाह कहता है सफर में नमाज कसर पढ़ो, ये कहते हैं हम तो नहीं कसर पढ़े। शान आशिकी ही जुदा गाना है, निराला आशिक है मुसलमान। अल्लाह कहता है मेरी तरफ से छूट है, सफर में दो रकात पढ़ो, सफर में रोजा ना रखो। ये कहते हैं नहीं साहब, हम तो रखेंगे। यानी गोया आपने कहा क्यों नमाज पढ़ने को, अब सजा ये है कि हम पढ़ेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल सूरत हाल ये है कि नमाज जब आप पढ़ते हैं चार रकात तो हवास आपके जमा नहीं रहते, शक वारिद होता है। शक के क्या मानी है, बात वहाँ थी। शक के मानी ये है कि 50% ये ख्याल है कि दो रकात पढ़ी, और 50% ये ख्याल है कि तीन रकात पढ़ी। अब ये जो 50% और 50% का मुकाबला है, ये है शक। 50-50 से कट जाएगा ना सीधे सीधे। ये तो क्लास वन या दो, क्लास टू की बात है, कट जाएगा, क्या बचेगा, ज़ीरो। यानी जहल की कैफियत है शक, यानी जहल, शक यानी जहल। इस्लाम ये नहीं चाहता, शरीयत ये नहीं चाहती, फिक्र ये नहीं चाहती कि आप एक कदम भी, एक रकात नमाज भी, एक कयाम भी, एक सजदा भी, एक रुकू भी, एक तकबीर भी शक की हालत में कहें। जो करो, जो कहो, वो इल्म की रोशनी में करो। एक तकबीर भी कहो तो इल्म की रोशनी में कहो, यकीन के साथ कहो, इत्मीनान नफ्स के साथ कहो। इसलिए उसकी तदबीरें बताई गईं, शकियात नमाज के अहकाम, सहवियात नमाज के अहकाम, जाके पढ़ लीजिएगा दीनियात में और तौज़ीहुल मसाइल में। मैं अहकाम नहीं बयान कर रहा हूँ तफसील से। मिजाज शरीयत यह है कि शक के आलम में कोई अमल ना हो, जहल के आलम में कोई अमल ना हो। इसलिए फकीह को कहा गया कि अगर कहीं दलाइल ना भी हों, हुक्म आपके सामने वाज़ेह नहीं हो सका, कोशिश की आपने, हुक्म इलाही वाज़ेह नहीं हो सका, जहां पर दलाइल साथ न दें, हुक्म इलाही वाज़ेह ना हो सके, वहां भी ऐसे ऐसे फार्मूले बताए गए हैं खुद कुरान और रिसालत में आपके बारगाह से, कि जहां पर एक वजीफ़ा अमली तजवीज कर दिया जाए। यानी आम मुसलमान हैरत में ना रहे, दरमांदा ना रहे, गुमगश्ता ना रहे, बल्कि उसे एक हुक्म मिल जाए कि हमें यह करना है।
जिस वक्त ऊपर से कोई हुक्म मिल जाए कि हमें यह करना है, कैसा इत्मीनान हासिल हो जाता है। हुक्म के मुताबिक हमने कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसी ने कहा है कि इस जरिए से हुक्म मिले तो जो करोगे तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी है। हम अजर देंगे, अजर अमल पे थोड़ी देते हैं, अजर तो नियत पर देते हैं। तुम्हारा अमल तो तुम्हारे नियत की सिर्फ एक निशानी है। अमल तो हुस्न नियत की निशानी है, वरना हम क्या और हमारा अमल क्या। हम कितनी ही खुजू व खुशू के साथ नमाज पढ़ लें, हमारी नमाज क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुकाबले में हमारी नमाज क्या है, कोई हैसियत नहीं। अमल पर अजर नहीं है, नियत पर अजर है। अमल उस हुस्न नियत की अलामत है। अलामत फराहम हो गई, नियत का पता चल गया, अजर मिलेगा। यहाँ ठहर कर एक बात अर्ज कर दूँ कि ये जो वजीफा मुअय्यन करता है या जो फतवा देता है या हुक्म बताता है फकीह या मुज्तहिद, बहुत से हजरात ये सवाल करते हैं कि हम मुज्तहिद के फतवे पर अमल क्यों करें। इसका जवाब तो कल मैंने दे दिया, आपको याद कर लेना चाहिए कि अगर आपके हाथ में टॉर्च नहीं है तो कम से कम आप उसके पीछे चलें जिसके हाथ में टॉर्च है। इतनी सादा सी मिसाल अगर जहन नशीन न हो पाए तो मैं दुआ कर सकता हूँ, कुछ और नहीं कर सकता, कि खुदा आपको अच्छी जहानत अता करे, बुरी जहनियत से निकाले। सादा सी बात है। तारीकी पसंद करना नफसियाती मर्ज हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। हम अंधेरे ही में चलेंगे, ठोकर लगती है तो लगा करें, खंदक में गिरते हैं तो गिरा करें, हम तो अंधेरे में चलेंगे। अगर किसी ने तय कर लिया कि अंधेरे में चलेंगे तो उसे कोई रोशनी में खींच के ला नहीं सकता। लेकिन आम जवान, आम इंसान, मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है जो तारीकी से मोहब्बत रखता हो। सब नूर से मोहब्बत रखते हैं, सब इल्म से मोहब्बत रखते हैं, सब भलाई और अच्छाई से मोहब्बत रखते हैं। तो माहिर फ़न या माहिर कार की राय के मुताबिक अमल करना गोया ऐसा ही है जैसे रोशनी में रास्ता तय करना। कल मैंने मिसाल दी थी कि अगर घर बनाना है आपको तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाएंगे। जानबूझ के मैंने कल एक ही आर्किटेक्ट का जिक्र किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि ये भी होता है, आप बाज़ौक हैं, मुतमव्विल हैं, सर्वतमंद हैं, खुदा ने नवाज़ा है, और सबसे बड़ी बात बाज़ौक होने की है। तो आपका एक प्लॉट है, आपकी ज़रूरियात हैं वो आपने कागज़ पे लिख ली हैं, कल की मिसाल जहन में होगी, और जिन्होंने कल की तकरीर ना सुनी हो वो पहले कल की तकरीर सुन लेंगे फिर आज की सुनेंगे। यानी दोहरी मेहनत कीजिएगा अगर समझना है, अगर कुछ हासिल करना है। अगर घर बनाना है किसी को तो जो भी उसने प्लॉट या ज़मीन मुअय्यन की है घर बनाने के लिए, उसकी पैमाइश करके, एक ही प्लॉट है और जो उसकी ज़रूरियात हैं, जितने भी कमरे चाहिए, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें घर में हैं, वो एक कागज़ पे लिख लिया और उसी एक कागज़ की चार या छः या आठ फ़ोटो कापियाँ करा ली। फ़ोटो कापी करने से ज़रूरतें बढ़ तो नहीं जाएंगी, उतनी ही रहेंगी ना। फोटोकॉपी करने से एक का दो प्लॉट भी नहीं हो जाएगा, एक ही रहेगा। ये आपने दुनिया के या अपने मुल्क के चार छः या आठ बड़े आर्किटेक्ट्स को दे दिए। ये मालूम कर लिया कि ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, एजाज याफ्ता हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान का चार या छः या आठ बड़ा आर्किटेक्ट माना है, इन्हें अवार्ड से नवाजा है। इनके इल्म में, फ़न में, महारत में कोई कमी नहीं है।
वो आठ या चार या छह जो भी हैं, सबको आपने एक प्लॉट और एक ही जरूरियात के मुताबिक नक्शा बनाने की दरख्वास्त दी। लेकिन ये सब के सब जो नक्शे बनाएंगे, सबके नक्शे अलग अलग होंगे। एक ही नक्शा नहीं होगा, और जितने नक्शे बनाएंगे सब अपने इल्म की रोशनी में सही नक्शे बनाएंगे। किसी एक को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत नक्शा बनाया। आपकी समझ में कोई बात ना आए, आप उनके पास जाएंगे तो वो पूरे तौर पर अपने बनाए हुए प्लान और नक्शे को डिफेंड करेंगे। वो बताएंगे हमने यहाँ पर इसलिए पिलर रखा है, यहाँ पर इसलिए बीम दी है, यहाँ पर इसलिए खिड़की रखी है, यहाँ पर इसलिए दरवाज़ा रखा है, यहाँ पर इसलिए हमने ये सामान रखा। एक एक चीज़ वो डिफेंड करेंगे अपने इल्म की रोशनी में, लेकिन चार के नक्शे अलग अलग होंगे, एक ही नक्शा नहीं होगा। जो इल्म इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पढ़ा है वही उन्होंने पढ़ा है। जो साइंस इन्होंने पढ़ी है वही साइंस उन्होंने पढ़ी है। जिस तरह ये सॉइल टेस्टिंग करेंगे उसी तरह वो करेंगे, मगर नक्शे मुख्तलिफ हैं। अब ये आपकी सहूलत और आपकी पसंद और आपके जौक पर है कि जिसका नक्शा चाहे इस्तेमाल करें, मगर बयक वक्त दो नक्शों को मिलाकर तीसरा खुद से न बनाइएगा। वरना स्ट्रक्चर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, सरमाया जाया होता रहेगा। तवज्जो है, दीन एक है, कुरान एक है, इस्लाम एक है, इमाम एक है, रसूल एक है, फिर भी फकीह जो इज्तिहाद करता है वो उसी तरह है। चूंकि इज्तिहाद एक इल्म है, एक फन है, वो आपको अहकाम पर अमल करने के जो तरीके बताता है उसमें इख्तिलाफ टेक्निकल बुनियाद पर होता है। हर मुश्तहिद का फतवा अपनी जगह दुरुस्त है। ये नहीं है कि इस मुश्तहिद का फतवा बातिल है उसका बरहक है, उसका बातिल है उसका बरहक है, ऐसा नहीं है। जो मुश्तहिद जामिउ शरायत हैं, जो फकीह जामिउ शरायत है, जो वो फतवा देगा वो उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद पर, कवायद फ़िक़्हिया की बुनियाद पर, इल्म फ़िक़्ह की बुनियाद पर, कुरान हदीस व अक़्ल की बुनियाद पर दुरुस्त होगा। आपका वजीफा है आप अमल करें। और फरमाया आपने, इख्तिलाफ फतवा में इसलिए पैदा होता है, इसलिए नहीं पैदा होता कि नऊज़ु बिल्लाह इन्होंने कुरान को गलत समझा या उन्होंने कुरान को गलत समझा, या ये शरीयत बदलना चाह रहे हैं या वो शरीयत बदलना चाह रहे हैं। इज्तिहाद शरीयत को नहीं तब्दील करता, फकीह शरीयत को नहीं तब्दील करता, इल्म फ़िक़्ह शरीयत को तब्दील नहीं करता। शरीयत को सरमायादार तब्दील करते हैं, शरीयत को साहिबान इख्तदार तब्दील करते हैं, शरीयत को सियासत मदार तब्दील करते हैं, शरीयत को वो फुकहा तब्दील करते हैं जो सरमायादारों के हाथ बिक जाते हैं। इसीलिए हर फकीह की तकलीद वाजिब नहीं है, हर फकीह की तकलीद जायज नहीं है, फकीह आदिल की तकलीद जायज है। किसकी तकलीद के लिए कहता है इस्लाम? सिर्फ यह है कि फकीह वक्त की तकलीद करो? कहीं है ये? फकीह आदिल की तकलीद करो। फकीह आदिल, इस एक लफ्ज़ आदिल में एक दुनिया, एक आलम समोया हुआ है। लेकिन मुमकिन है कि ये अदालत की शर्त वहां समझ में ना आए जहां नऊज़ु बिल्लाह खुदा ही को आदिल नहीं समझा जाता। लेकिन मुमकिन है कि ये अदालत की शर्त वहां समझ में ना आए जहां नऊज़ु बिल्लाह खुदा ही को आदिल नहीं समझा जाता। आदिल है कि नहीं? मैं इस सिलसिले में एक जुमला कभी कहीं कह चुका हूं कि देखिए, मुतकल्लिमीन और मंतकियों के
कि आपस के मुजादले और मुबाहसे में मुब्तला ना हो जाइएगा। रूए ज़मीन पर जाकर तज़िया कीजिए, मुताला कीजिए। दुनिया में जो भी इंसान किसी खुदाए वाहिद का कायल है वो खुदाए आदिल का कायल है, खुदाए जालिम का कायल नहीं है। जो इंसान भी खुदा का तसव्वुर रखता है वो खुदाए आदिल का तसव्वुर रखता है, खुदाए जालिम का तसव्वुर नहीं रखता। खुदा आदिल है। जहां बुनियाद उसूल दीन में आदिल हो वहां फकीह हमेशा आदिल होता है। खुदा की कसम तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, मकतब अहले बैत का कोई फकीह कभी बिका नहीं। तारीख कभी कोई फकीह मकतब अहले बैत का बिका नहीं। और जो मकतब अहले बैत से जुदा रहे सबूत मैं फराहम करूं, बिके ना होते तो कत्ल हुसैन के फतवे देने वाले फुकहा कहां से आ जाते। और आज तक ऐसा सिलसिला बाकी है नऊज़ु बिल्लाह कि बाज हजरात बहस करते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह हुसैन से खताए इज्तिहादी हो गई थी। यानी वफादारी तो देखें, रसूल से या अहले बैत रसूल से वफादारी होगी तो जुमला यूं नहीं होगा, बहुत भी गुनाह को हल्का करने की कोशिश की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि यजीद से सियासी खता हो गई थी। नऊज़ु बिल्लाह। यजीद की तरफ लफ्ज़ ख़ता मंसूब न करके हुसैन की तरफ लफ्ज़ ख़ता मंसूब करना, ये ज़हन और दिल की कसाफत की अलामत है। ये अलामत है कि वफादारी किसके साथ है। रसूल के साथ वफादारी होगी तो ये नहीं कहेगा कोई कि हुसैन से ख़ता इज्तिहादी हो गई। ये कह सकता है कि यजीद से ख़ता हो गई, सियासी बहुत हल्का करेंगे कहेंगे सियासी ख़ता हो गई। लेकिन आज तक यानी हद है, ये जुमला कई बार कह चुका हूँ लेकिन फिर कह रहा हूँ। कराची में मैंने अर्ज़ किया था, तारीख में पढ़ा करता था कि फौज यजीदी में हाफिज़ान क़ुरान भी थे। सोचता था ये मुमकिन कैसे है, मगर इस दौर में टेलीविज़न पे बाज़ हाफिज़ान क़ुरान आके बताते हैं कि यकीन ना आए तो हमें देख लो, हम फौज यजीद के हाफिज़ क़ुरान हैं। तवज्जो रहे गुफ्तगू की तरफ। अर्ज ये कर रहा था कि फ़कीह आदिल की तकलीद के लिए कहा गया है, फ़कीह गैर आदिल की तकलीद के लिए नहीं कहा। किसकी तकलीद? सबसे पहली बात आलम की, फ़कीह की, आदिल फ़कीह की। फ़मन कान मिनल फुकहाए सौइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुखालिफ़न लिहवा मुतीअन लिअम्र मौला। फुकहा में से वो जो अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, जो अपने दीन की हिफाजत करने वाला हो, जो अपने हवाए नफ्स का मुखालिफ हो, जो अपने मौलाए हकीकी का इताअत गुजार हो, उसकी तकलीद जायज़ है। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, अलल अवाम अन युक़ल्लिदू नहीं है, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू जवाज़ के लिए है। ले हैं उसके लिए जो ऐसे शरायत जिसमें हो उसकी तकलीद जायज़ है। और फरमा रहे हैं आप, अब जाहिर सी बात है कि अदालत और इल्म अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कुछ भी करें। दरख्वास्त तो सिर्फ ये की गई है कि आप इल्म और अदालत
इल्म और अदालत, तक्वा और फैक, दो चीज़ें जहाँ जमा हो जाएं उसकी तकलीद करें। और ये दो चीज़ें बिल्कुल वही सूरत हाल है कि इल्म और तक्वा में वही रिश्ता है, फिक और अदालत में वही रिश्ता है जो इल्म और अमल में रिश्ता है। तक्वा नाम ही है इल्म की रोशनी में अमल का। तक्वा की एक तारीफ ये है कि इल्म की रोशनी में जो अमल होगा वही का नाम तक्वा है। क्योंकि जौहर क्या है तक्वा में, अब ये भी जो लोग सिर्फ तर्जमा देख के इज्तिहाद करते हैं उनके लिए कुछ कहना पड़ता है। हो सकता है लफ्ज़ तक्वा जाके आप अरबी डिक्शनरी में ते की तख्ती में तलाश करें, क्योंकि शुरू में ते है ना, वो मिलेगा नहीं। अरबी डिक्शनरी में ते की तख्ती में, ते के बाब में तक्वा नहीं मिलेगा, वाव में मिलेगा। ये तक्वा असल में वक्वा है, पूछ लीजिए तशरीफ़ फरमाएं अरबी सरफ़ो नहो के माहिरीन यहाँ पर। ये इलाल सरफ़ी, ये पूरी इल्म सरफ़ पढ़ें आप, अरबी ग्रामर पढ़ें कि किस तरीके से सेगे बनते हैं, अरबी इटीमोलॉजी और अरबी मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ें अल्फाज की, तब समझ में आएगा कि किस तरीके से अल्फाज क्वाइन होते हैं, बनते किस तरीके से हैं, वर्ड्स क्वाइन कैसे होते हैं। तो तक्वा वक्वा से बन गया। तक्वा इसके रूट वर्ड में मानी है हिफाजत के, हिफाजत, हिफजान, बचाओ, नुकसान से बचना, बर्बाद होने से बचना, हलाक होने से बचना। तक्वा के मानी है बचना, तक्वा के मानी डरना नहीं आए। अब जब मैं कभी कभी कहता हूँ मिंबर पर कि कुरान मजीद का तर्जमा अभी तक पूरा दुरुस्त हो नहीं पाया है लोगों से, तो लोग कहते हैं ये ताली कर रहे हैं। कितनी ही आयतें हैं जिनका आज तक सही तर्जमा नहीं हो सका, और तर्जमा, तर्जमे का हक आम इंसानों से अदा हो भी नहीं सकता। अगर आम इंसान इसके तर्जमे का हक अदा कर दे तो कुरान का एजाज कहाँ रह जाएगा। कुरान मुअज्जज़ा है, मुअज्जज़ा। इंसान जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी तवानाई जहनी और इल्मी सर्फ कर दे कि कुरान का तर्जमा कर दे, तर्जमा करने के बाद फिर एहसास होगा कि हक तो अदा नहीं हो पाया। बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा फकी, उसने तर्जमा किया है, उसके बाद दूसरे को तर्जमा करने की ज़रूरत पेश आई है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और उनके ख़ानदान ने मिलकर कितने तर्जमे किए। अगर एक का तर्जमा दुरुस्त हो गया होता तो दूसरे को क्यों करने की ज़रूरत पेश आती। बस किसी हद तक दुरुस्त, एक बार तर्जमा हुआ फिर एहसास होता है दूसरे को कि हक अदा नहीं हुआ। जब वो तर्जमा कर चुका होता है तो तीसरे को एहसास होता है अब भी हक अदा नहीं हुआ, फिर किसी चौथे को एहसास होता है अब भी हक अदा नहीं हुआ। ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, इसलिए कि कलाम कलाम खुदा है, कलाम बशर नहीं है। कलाम बशर होता तो कोई बशर इसका तर्जमा कर देता। कलाम कलाम हक है, इसीलिए उसने कलाम भी नाजिल किया और उसका तर्जमा भी साथ साथ नाजिल किया। तर्जमा भी उसी ने नाजिल फरमाया, और चूंकि पूरा तर्जमा अभी सामने नहीं आया है, एक तर्जमा पर्दे गैब में है। इसलिए जब तक वो तर्जमा सामने ना आ जाए कुरान फहमी का हक अदा नहीं हो सकेगा। अब यही देख लीजिए कि लफ्ज तकवा है और सब कहते हैं डरो,
इतना अल्लाह से डराया कि जवान मस्जिदों से भाग गया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो नहीं, अल्लाह की खातिर हलाकत से बचो। तुम अल्लाह की अमानत हो, तुम अल्लाह की अजीज मखलूक हो, तुम अल्लाह की नफीस मखलूक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, बर्बाद ना हो जाओ, बचो। अल्लाह की खातिर बचो। और बस अब जब गुफ्तगू यहां तक आ गई तो एक बात और अर्ज करूं, जिस रूट वर्ड से तकवा है उसी रूट वर्ड से तकिया है। रूट वर्ड एक है, मादा एक है, तकवा और तकिया रूट वर्ड एक है, और दोनों में बचाव और हिफाजत का मफहूम है। अमल को बचाने का नाम है, अमल को जाया और बर्बाद होने से बचाने का नाम है तकवा। साहिबे अमल को बर्बाद होने से बचाने का नाम है तकिया। दीन को बर्बाद होने से बचाने का नाम है तकवा। साहिबे दीन को बचाने का नाम है तकिया। ईमान को बचाने का नाम है तकवा। साहिबे ईमान को बचाने का नाम है तकिया। ये मुमकिन कैसे है कि तकवे का कायल तकिये का मुनकिर हो जाए? मुमकिन कैसे? ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि फिक्र जहां से हासिल करना चाहिए था वहां से हासिल नहीं किया। असलन तकिया उसूल दीन में से नहीं है, ये बता दूं, उसूल दीन में नहीं है तकिया। कवायद फिकिया में से एक कायदा है तकिया। कायदा कौन सा? कायदा फिकही कायदा। कवायद फिकिया में से एक कायदा है तकिया, जो फुरुआत मजहब में कहीं कहीं पर उसका इंतबाक होता है। यानी जहां कोई ऐसा नाजुक मौका हो कि इंसान का की जान या उसकी इज्जत व आबरू नामूस या उसका माल मुअतनाब, ऐसा ज़ियां जो काबिल तहम्मुल ना हो, अगर ऐसा कोई ज़ियां है तो उस ज़ियां से, उस नुकसान से, उस खसारे से बचने की तदबीर इख्तियार करना तकिया है। और फरमाया आपने, बहरहाल गुफ्तगू यहाँ तक आ गई और असल बहस जो कल से शुरू हुई थी फ़िक्ह और तफक्कुह और इज्तिहाद की, वो अभी तिशना रह गई, बाकी है। चूँकि फुरुआत के मसाइल दरमियान में आ जाते हैं, आप हजरात ख़ुद पूछते हैं कि मुज्तहिदों के फतावा में इख्तिलाफ़ है तो उसका हल क्या है, इख्तिलाफ़ क्यों है? इख्तिलाफ़ रहमत है आपके लिए, इख्तिलाफ़ ज़हमत नहीं है। ये सुन लें नमाज़ों के बाद या ज़ाती नशस्तों में मैं कहता रहा हूँ, वही मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, समझ के जाएँ। देखिए आज ऐलान हुआ कि 6B मॉडल टाउन में मजलिस अज़ा होगी, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं मजलिस अज़ा सुनने के लिए। अगर आपको अपने घर से या अपने शहर से या अपने महल्ले से 6B मॉडल टाउन तक का एक ही रास्ता मालूम है तो आप चलेंगे, और अगर उस रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेंगे। और अगर आपको एक से ज्यादा रास्ते मालूम हैं तो एक रास्ता अगर मसदूद है तो दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लेंगे, दूसरा रास्ता मसदूद है तो तीसरे रास्ते को इख्तियार कर लेंगे, तीसरा रास्ता मसदूद है तो चौथे रास्ते को इख्तियार कर लेंगे। गौर फरमाया आपने, इसीलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने खुद रिसाले अमलिया मुरतब करके नहीं दे दिया हाथ में, उसूल बता दिए का इज्तिहाद तुम करो। मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, इख्तिलाफ इल्मी, इख्तिलाफ फतवा रहमत है। फुकहा का इख्तिलाफ आपस में फतवा का रहमत है आपके लिए,
क्योंकि एक वजीफा अंजाम देना है। अब ये वजीफा किसी एक मरजे तकलीद फकीह आदिल मुश्तहिद जामे व शराइत ने फतवा दिया, आप उसके मुकल्लिद हैं, और अब किसी एक मसले में दुश्वारी आ गई, आप अमल नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, नियत सलामत है, कर नहीं पा रहे हैं, मसला मुश्किल है, अब आपको ज़रूरत पेश आई पूछना कि कोई इस अमल को अंजाम देने का, इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने का, इस वजीफ़े शरई को अंजाम देने का, इस तकलीफ से ओहदा बरा होने का कोई और दस्तूर भी है। अब उन आदाब की रियायत के साथ अल आलम फल आलम दूसरे मुश्तहिद से आपने रुजू किया कि भाई इस पर अमल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई और रास्ता है, उन्होंने तजवीज़ कर दिया यहाँ और रास्ता है, आपने अमल कर लिया। रहमत है या जहमत? आपने रहमत को अपने लिए जहमत समझ लिया है, इसलिए कि आप उन नज़ाकतों से वाकिफ नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। इज्तिहाद और तफक्को रहमत है, लुत्फ खुदा है, और मिन जुमले फैजान खत्म नबुवत है, मिन जुमले असरार व फैज़ान ख़त्म नबूवत। ये नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुल ख़त्म नबूवत का राज सिर्फ इज्तिहाद है, गलत फहमी ना हो, कल की गुफ्तगू में ये बात साफ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कुल ख़त्म नबूवत का राज ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने इज्तिहाद पर तकिया करें, नहीं, मिन जुमले असरार ख़त्म नबूवत ये भी है कि हम अपने मसाइल को इज्तिहाद की रोशनी में हल करें, और फिर ये याद रहे कि इज्तिहाद फ़ुरूए दीन में है, उसूल दीन में नहीं है। उसूल दीन में इज्तिहाद नहीं है, तौहीद में इज्तिहाद नहीं है, नबूवत में इज्तिहाद नहीं है, ये मसला इज्तिहादी नहीं है कि अल्लाह आदिल है कि नहीं। ये मसला इज्तिहादी नहीं है, और इसी तरह इमामत भी इज्तिहादी मसला नहीं है। इज्तिहाद खुद उलमा का काम है, एक ज़रीफ और लतीफ़ और दकीक नुक्ते को समझ कर उठें। इज्तिहाद खुद उलमा का काम है, जो हाल का काम नहीं है, जाहिल अवाम का काम इज्तिहाद नहीं है, इज्तिहाद उलमा का काम है, और इज्तिहाद से इमामत तय नहीं होती। जब इज्तिहाद से इमामत तय नहीं होती तो अवामुन नास मिलकर कैसे इमामत तय कर लेंगे? मालूम हुआ कि अवामुन नास को इकट्ठा कर लिया और इमामत तय हो गई। अवामुन नास के इकट्ठा करने से इमामत नहीं तय होगी, लोगों के इकट्ठा हो जाने से ये तय नहीं होगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, लोग इकट्ठा हों या ना हो, नबी नबी है, लोग इस पर इत्तेफाक करें या ना करें, कयामत आएगी, मुश्तहिद इत्तेफाक करे या ना करे, इमाम इमाम है, कोई इत्तेफाक करे या ना करे, और इमाम वो है जिसे रसूल और खुदा इमाम बनाए, जिसे रसूल कह जाए, इब्नाया हाजाने इमामाने कामा उकादा, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे बैठे चाहे खड़े हो जाए। ये बैठे तो इमाम हैं, ये बैठे रहें तो भी इमाम हैं, ये खड़े हो जाएं तो भी इमाम हैं, ये जंग करें तो भी इमाम हैं, ये सुलह करें तो भी इमाम हैं, ये खाना नशी हो तो भी इमाम हैं। रसूल ने ये नहीं कहा ये बैठ जाएं तो इमामत मुंतकिल हो जाएगी, बैठ जाएं तो भी इमामत इन्हीं के कदमों से वाबस्ता रहेगी। हसन सुलह कर लें तब भी इमाम हैं, हुसैन जंग करें तो भी इमाम हैं, जो इमाम बरहक के मुकाबले पर आए वो गैर इमाम है।
जो भी आए, बस आज गुफ्तगु यहाँ पे रोक लेता हूँ। बहुत से मसाइल रह गए, कल अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह। लोगों ने फरमाया कल की तकरीर के बाद कि आप ये कहते हैं कि किसी मुश्तहिद की राय के मुताबिक अमल कर लीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, यानी बार अमल उन पर है। और उसके बाद मुगालता ये हुआ उन्हें कि क़ुरान मजीद में तो ये कहा गया है कि ला तज़र व वाज़र तुम वज़र उखरा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा, तो अवामुन्नास का बोझ मुश्तहिद क्यों उठाए? गुनाह के सिलसिले में है ये, अमल के सिलसिले में नहीं है। किसी के गुनाह का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, मगर मुज्तहिद फकीह आदिल उम्मत के आमाल हसना का वजन उठाएगा और शफात करेगा, वजन उठाएगा, शफात करेगा। हक़ शफात के सिलसिले में जो रिवायतें हैं उन्हें देखें, पैगंबर को अल्लाह ने शफी करार दिया, शफात मुनहसर है ज़ाते इलाही, ज़ाते पैगंबर में, मगर पैगंबर के बाद ये शफात का हक़ जहरा को भी मिला, आइम्मा को भी मिला, हसन को भी मिला, हुसैन को भी मिला, उसके बाद उलमा को मिला, उरफा को मिला, सुलहा को मिला, आम मोमिन को भी हक़ शफात अल्लाह ने अता किया। ज़ाहिर इशारतन ये सारी बहसें करता है, वरना एक एक बहस जो है वो एक एक मुस्तकिल तकरीर चाहती है। शफ़ात ख़ुद एक बहस है कि जो मुस्तकिल तकरीर चाहती है, मुस्तकिल बहस चाहती है। फ़कीह आदिल आपके आमाल का ज़िम्मेदार है, जिस तरह इमाम आपके पूरे मज़हब का ज़िम्मेदार है। जो चीज़ हम तक इमाम से पहुँच गई हुज्जत है, हम उस पर अमल करेंगे और खुदावंद कुद्दूस के सामने हम कहेंगे कि तूने इमाम जिन्हें बनाया था उन्होंने जो हुक्म दिया हमने अंजाम दे दिया। इमाम अगर तलब करे तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना ही सबसे बड़ी सआदत है। ये जो मसला कल इजमालन कहा था कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं होता, हुजूर की ज़िंदगी में भी इसकी मिसालें हैं। हुजूर दाखिल हुए, देखिए उम्मत कहाँ कहाँ ठोकर खाती है। हुजूर मस्जिद में दाखिल हुए, देखा एक साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, हुजूर ने उनका नाम लेकर पुकारा, उन्होंने हुजूर की आवाज़ पर आवाज़ नहीं दी, नमाज पढ़ते रहे। क्या नमाज पढ़ते रहे। हुजूर ने दोबारा आवाज़ दी, नई आवाज़ दी, हुजूर खामोश हो गए। जब वो नमाज़ पढ़ चुके तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। रसूल ने फरमाया कि मगर मैंने पुकारा नहीं था तुम्हें, मैंने आवाज़ नहीं दी थी तुम्हें। हैं, बस एक जुमला कह चुका हूँ पहले, कभी अर्ज़ कर रहा हूँ, नमाज की हकीकत सिर्फ इतनी है कि आवाज़ मोहम्मद पे आवाज़ देने का नाम है नमाज। जब पैगंबर पुकारे, पैगंबर की पुकार पर बे इख्तियार दौड़ जाने का नाम है नमाज। ये हयात नमाज ये भी किसने दी है? आपने मुरतब की है। ये जो क़याम है, रुकू है, सुजूद है, क़ुऊद है, तशहुद है, सलाम है, किसने सिखाया है? पैगंबर ने सिखाया है, आपने नहीं सिखाया है। आपकी तसनीफ नहीं है नमाज, आपकी तसनीफ नहीं है तो आप उसमें कुछ घटा भी नहीं सकते, कुछ बढ़ा भी नहीं सकते। देखिए ये बैठे हुए नासिर जैदी साहब शायर हैं, ये कोई गज़ल लिखकर मुझे दे दें, नात लिखकर दे दें, कोई सलाम लिखकर दे दें मुझे, तो मुझे इख्तियार है कि
कि मैं उसमें अपनी तरफ से एक शेर बढ़ा दूं। अच्छा, अगर इन्हीं ने लिखी हो कोई नात और मक्ते में अपना तखल्लुस न डाला हो तो नात तो इन्हीं की रहेगी। अब मुझे ये इख्तियार है कि इनकी तरफ से मक्ता बढ़ा दूं। दुनिया का कोई शायर इजाज़त देगा कि उसके कलाम में मक्ता कोई और लगा दे? मक्ते में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात। इन्हीं का नाम, अपना नाम नहीं, इन्हीं के नाम से एक शेर इजाफा कर दूं, सब कहेंगे नहीं कलाम उनका है, आप तहरीफ कर रहे हैं, ये करप्शन है, तहरीफ है। शर्ह करने की इजाजत है, इजाफे की इजाजत नहीं है। शर्ह की, तशरीह की इजाजत है। गालिब कह कलाम कहकर चले गए, आज तक हम शर्ह कर रहे हैं गालिब के कलाम की। इकबाल चले गए, आज तक हम इकबाल के कलाम की तफसीर लिख रहे हैं। तफसीर करने का हक है, तशरीह करने का हक है, कलाम में इजाफे का हक नहीं है। इसीलिए हमसे सुनो तफसीर नमाज की। नमाज की तफसीर करने का हक है। नमाज सूरह हम्द से लेकर और सलाम तक जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। आप तशहुद में नाम लेना चाहते हैं, अल्लाह ने सूरह हम्द में नाम रख दिया है। सिरात अल मुस्तकीम नाम अली इब्न अबी तालिब का है। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, नाम लेने के आदाब हैं, मेरे तीन नाम हैं, मगर शेर जब कहता हूँ तो उसमें तखल्लुस अकील होता है, जब दीवान छपेगा तो उस पर अकील अलगरवी ही लिखा होगा। वो जो मेरा पाँच छः अल्फाज पर मुश्तमिल तवील व अरीज नाम है, वो किसी को मालूम भी नहीं है, ना वो छापने की इजाज़त दूँगा। जब मैं छापने की इजाज़त नहीं दूँगा, मैं जो नाम कहूँगा वो छपेगा। जो नाम मैं कहूंगा वो दाखिल होगा किताब में। नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम नमाज में, शुरू से आखिर तक नमाज सनाए इलाही है, मगर सनाए इलाही की शान ये है, ये बंदे ऐसे हैं कि इनकी सना करो तो उसकी हमद होती है, उसकी हमद करो तो इनकी सना होती। बस इससे ज्यादा गुफ्तगु नहीं। उसकी हमद करो तो इनकी सना होती, इनकी सना करो तो उसकी हमद होती। क्या वहदत है, क्या तौहीद है, इसे कहते हैं तौहीद हक समदी, इसे कहते हैं राह हक में फना हो जाना, इसे कहते हैं ज़ात हक में फना हो जाना, इसे कहते हैं फना हो जाना। किस शान से फना हुए, किस शान से फना हुए? एक जुमला काफ़ी होता है अरबाब इश्क के लिए, अरबाब मारिफत के लिए एक जुमला। मैंने कहा था इल्म अमल जुदा नहीं हो सकते, मैंने कहा था कुरान अहले बैत जुदा नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते, जुदा न होने की शान देखिए कि जिसमें हुसैन रेगे गर्म करबला पर पामाल हो गया है, सर मुबारक नोके नैजा पर है,
मगर कुरान से जुदा नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत का सिलसिला जारी, कहीं सूरह कहफ की आयतें पढ़ी जा रही हैं, कहीं सूरह शुआरा की आयतें पढ़ी जा रही हैं, मुसलसल तिलावत हो रही है। यह है कुरान और अहले बैत का रिश्ता, यह है इल्म व अमल का रिश्ता, यह है फ़िक्ह व तक्वा का रिश्ता। वो तो इमाम मासूम है। अब एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, बस यही बाब मसाइब भी है, यही तकरीर का ख़ुलासा भी है। जब नबी मौजूद हो तो इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं, जब इमाम मौजूद हो तो इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं। मैंने कल कहा था अब्बास फ़कीह हैं, फ़कीह है मकतब अहले बैत, मगर हुसैन की मौजूदगी में कभी अब्बास ने कोई अपनी राय जाहिर की? यह है आदाब फ़काहत। फ़काहत के आदाब ये हैं, हुसैन की मौजूदगी में कभी अब्बास ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, शजाअत के बावजूद जो हुक्म दे दिया, जो हुक्म दे दिया आका ने, इमाम वक्त ने उस पर अमल है। शान फकीह अमल है। जौहर फकीह उसका अदल है, जौहर मुज्तहिद उसका तकवा है। जिस तरह जौहर इमामत इस्मत है, जौहर नबुवत इस्मत है, उसी तरह अब्बास फकीह हैं मगर जौहर ज़ात अब्बास वफा है, जौहर ज़ात अब्बास इस्तिकामत है। फकीह हैं मगर इज्तिहाद का कोई मौका नहीं, चाहे वो दो मुहर्रम का मारे का हो, चाहे वो नौ मुहर्रम का मारे का हो, चाहे वो दस मुहर्रम का मारे का हो। यानी दो मुहर्रम वारिद हुए हैं करबला में और दुश्मन ने कहा कि यहाँ खैमे नहीं लगाए जा सकते, दरिया के किनारे खैमे नहीं लगेंगे। अब्बास फकीह हैं मगर इज्तिहाद से काम नहीं ले रहे हैं। ज़ुहैर क़ैन ने आस्तीन उल्टी, कहा हम अभी मुकाबला करने की इस्तेआत रखते हैं, हजरत अब्बास ने आस्तीन नहीं उल्टी। और कबल इसके कि अब्बास आमादा जंग हो जाते, इमाम वक्त ने अपना हुक्म सादिर किया, मगर हुक्म को नाफिज करने का तरीका बड़ा अजीब था। खुद बुला के कह सकते थे अब्बास ये मौका जंग का नहीं है, मगर खुद नहीं कहा बल्कि अपनी बहन जनाब ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब अब्बास से बुलाकर ये कह दें ये मौका जंग का नहीं, हम ये नहीं चाहते कि जंग की इब्तिदा हमारे। बाबे मसाइब में गुफ्तगु दाखिल हो चुकी है, मौजू भी जहन में रहे और वाकयात भी जहन में रहे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इधर जनाब ज़ैनब ने बुलाकर कहा कि भैया का ये पैगाम है, जनाब अब्बास ने फिर कोई कोशिश नहीं की। कोई रिवायत नहीं मिलती कि जनाब अब्बास ने आकर इमाम हुसैन को मशवरा भी दिया हो, बस इमाम का हुक्म है तो इताअत करनी। इताअत, ये दो मुहर्रम या चार मुहर्रम का मारे का है और उसके बाद नौ मुहर्रम,
9 मुहर्रम को दुश्मन ने हमला कर दिया, यानी आगाज़ जंग करना चाहते थे दुश्मन, करीब आ गए खैमों से। जनाब अब्बास सर झुकाए हुए इमाम हुसैन की खिदमत में आए और एक जुमला कहा, आका ए मेरे सैयदो सरदार, ए फर्जंद रसूल, दुश्मनों ने जंग का आगाज़ कर दिया। ये कहने का अंदाज़ ऐसा था कि जैसे कह रहे हो कि अब मुझे मना ना कीजिएगा। मगर जनाब सैयदो शुहदा ने क्या फरमाया, जनाब सैयदो शुहदा ने फरमाया कि नहीं अब्बास, जाकर इनसे एक शब की मोहलत ले लो। ये एक शब की मोहलत जो इमाम ने ली है, इसमें एक दो राज नहीं है, बहुत से असरार हैं, बेशुमार असरार हैं। खुद अस्हाब हुसैनी का मर्तबा सामने आया है, कैसे थे अस्हाब हुसैन, किस किरदार के, किस मारिफत के। और ये जो मशहूर है कि आपने चिराग गुल फरमा दिया था, ये चिराग गुल करने की एक हिकमत ये थी कि चिराग जो जलता है मादी चिराग, इसमें जो नूर होता है ये नूर मादी होता है। आका चाहते थे कि नूर मादी बुझा दिया जाए ताकि नूर मुजर्रद का इजहार हो, नूर मुजर्रद सामने आ जाए, नूर ईमान सामने आ जाए। नूर मुजर्रद सामने आया, नूर ईमान सामने आया। अस्हाब की गुफ्तगुएं, अस्हाब की फिदाकारियां, अस्हाब का ईसार, वो कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं है। मेरे पास उसकी सनद मौजूद है, पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मरतबा जनाब सैयदुल शुहदा अपनी बहन के खैमे में तशरीफ़ ले गए तो बहन ने इतना पूछा कि आका, फरजंदे रसूल, भैया, क्या इन अस्हाब पर पूरा भरोसा है? बस ये गुफ्तगू किसी सूरत से खैमे से बाहर चली गई। एक सहाबी दौड़ता हुआ दूसरे सहाबी के पास जाता था, हाय गजब हो गया, कयामत हो गई, शहजादी को हमारी वफा में शुभा है। और बस चंद लम्हे गुजरे थे कि असहाब दर खैमा पर इकट्ठा हो गए। आका बाहर आए तो कहा, आका ये तलवारें हाजिर हैं और ये हमारे गले हाजिर हैं। शहजादी को यकीन दिला दें, हम अभी जान निसार करने के लिए आमादा। क्या क्या जौहर सामने आए हैं शब आशूर। मगर शब आशूर गुजर गई, मैं तो सिर्फ़ एक मौका याद दिलाना चाह रहा हूँ। कल भी जनाब अब्बास की फ़काहत का तस्करा था, आज भी जनाब अब्बास की फ़काहत ही का तस्करा है, लेकिन इताअत के साथ। आप देखें कि हुक्म के मुकाबले में इज्तिहाद की कोई हैसियत नहीं है, हुक्म इमाम के मुकाबले में इज्तिहाद की कोई हैसियत नहीं है। एक जिम्मेदारी दे चुके हैं इमाम हज़रत अब्बास को, आलम दे चुके हैं, सिपह सालार बना चुके हैं, फौज के और फौज के और फौज कशी के और जंग के फैसले करना सिपह सालार लश्कर का काम होता है। हजरत अब्बास आलम बरदार हैं, मगर जब भी खुद जाने की मसलहत समझते हैं, आका से आके कहते हैं इजाजत है कि मैं चला जाऊं। और हर मर्तबा इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तुम तो हमारे लश्कर के आलम बरदार हो, हमारी फौज के का परचम तुम्हारे हाथ में। जनाब अब्बास खामोश हो जाते हैं। आखिरी वक्त है जब कोई नहीं रह गया, और अब हजरत अब्बास ने कहा कि आका अब इजाजत है। सरकार सैयदुल शुहदा ने बात फिर भी वही कही, ज़रा यहाँ ठहरिएगा, ये जुमला मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं पढ़ा है, मगर पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। इमाम ने फिर वही जुमला कहा, भैया तुम तो मेरी फौज के आलम बरदार हो।
तवज्जो है। क्या हुसैन नहीं जानते थे कि फौज खत्म हो चुकी है? तवज्जो रहे, हुसैन इमाम वक्त है। अब्बास हुसैन की फौज के सिपह सालार हैं। हुसैन जो कह रहे हैं उसमें अब भी मानवियत है। हुसैन जो फरमा रहे हैं उसमें अब भी मानवियत है। हुसैन की फौज में मलाइका भी आए, हुसैन की फौज में फरिश्ते भी आए, हुसैन की फौज में जिन भी हैं, हुसैन की फौज में अंबिया भी हैं, सही उस सनद रिवायतें हैं, ये सब हुसैन की फौज में हैं, और हुसैन की फौज का सिपाह सालार अब्बास है। हुसैन जो कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, अब्बास ने सर झुका के जो कहा वो भी अपनी जगह दुरुस्त। अब्बास की मुराद वो मखसूस फौज है जो इंसानी फौज थी इमाम हुसैन के साथ। इसलिए अब्बास ने फरमाया, आका अब वो फौज कहाँ रह गई जिसका मैं सिपह सालार हूँ? अब हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बस यहाँ एक फकीह और एक इमाम की बात है। एक इमाम हुक्म दे रहा है, एक फकीह अमल कर रहा है। तवज्जो है, इस वक्त मौका नहीं था। तवज्जो है, हमारे नुक्ते नजर से, इंसानी नुक्ते नजर से इस वक्त अब्बास के ऊपर कोई और जिम्मेदारी देने का मौका न था। अगर अब भी अब्बास तन्हा जिहाद के लिए निकल जाते तो करबला की जंग का नक्शा कुछ और होता, मगर हुसैन का हुक्म, भैया अगर फैसला कर लिया है कि जाना है तो प्यासे बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। अजरकुम अल्लाह। बस आज मसाइब फिर वहीं तक पहुंच गए जहां तक कल पहुंचे थे। हुसैन से, हुसैन की फरमाइश थी जनाब अब्बास से कि भैया पानी की कोई सबील करो। हुसैन बच्चों से वादा करके गए थे कि हम पानी की सबील की कोशिश करेंगे। मशकीज़ा लेकर गए थे, सकीना ने मशकीज़ा दिया था, तमाम बच्चों की उम्मीदें वाबस्ता थीं। इसलिए अब्बास उस वक्त तक खैमे की तरफ आने की कोशिश करते रहे जब तक के मशकीज़े में पानी रहा, मगर जब तीर ने मशकीज़े को छेद दिया, पानी बह गया। अब अब्बास ने खैमे की तरफ से रुख दोबारा मोड़ दिया, तराई की तरफ। अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आए और फिर वसीयत में वही इमाम के जुमलों को सहारा बना लिया, आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि बच्चों से शर्म आती है पानी का इहतमाम न कर सके। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, माबूद मिल्लत इस्लामिया को फ़िक़्ही शुहूर आता फरमा। परवरदिगार हमें शरीयत का पाबंद बना दे, हमारे लिए तरीक़त के रास्ते खोल दे, हमारे सामने हकीकत की मंजिलें उजागर कर दे। परवरदिगार आलम बशरियत तक बरकात इस्लाम पहुँचा दे, फ़ुयूज़ अहले बैत पहुँचा दे, वली आसर को इज़्ने ज़ुहूर आता फरमा। मोमिनीन से इल्तिमास है कि जितने मरीज़ हैं उनकी सेहत याबी के लिए, शफाए कामिल के लिए दुआ फरमाएं। खसूसियत के साथ बानी अज़ा जनाब सैयद बदरुल हसनैन हैदर साहब की बेगम, बहुत मरीज़ व अलील हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। और सैयद अली अकबर ज़ैदी साहब अलील हैं, मरीज़ हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं।